हेलो फ्रेंड, दुनिया का किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन अगर आप लोग यूज करते हो और आप अपने फोन में लॉक स्क्रीन पासवर्ड पिन पैटर्न लॉक भूल गए हो और आपसे फोन अनलॉक नहीं हो पा रहा है तो प्लीज ये वीडियो को हमारा लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में ना आपका पैसा वेस्ट होने वाला है और ना ही आपका डाटा डिलीट होने वाला है। मैं इस वीडियो में आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने किसी भी कंपनी का लॉक अनलॉक कर सकते हो घर बैठे बैठे, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, ना सर्विस सेंटर पे जाना है और ना ही रिपेयरिंग दुकान पे। क्यों? क्योंकि सर्विस सेंटर पे जाके आप अपने पैसा पूरा का पूरा वेस्ट करने वाले हो और आपका डाटा भी जो है वो डिलीट हो जाएगा और वापस भी नहीं आएगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। पर इस वीडियो में ना आपका टाइम वेस्ट होने वाला है और ना ही डाटा डिलीट होने वाला है और ना ही आपका पैसा वेस्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए हेल्प के लिए वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो को देख के आप सब अनलॉक कर सकते हो घर बैठे बैठे किसी भी कंपनी के फोन को। तो आइए फिर मैं बिना देर के पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, ये इमरजेंसी कॉल के पेज पे ओपन कीजिएगा। इमरजेंसी कॉल के पेज को क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाओगे इमरजेंसी कॉल ऑनली के पेज पे। एंड देन यहाँ पे आ जाने के बाद आपको क्या प्रोसेस करना है, यहाँ पे एक कोड एक्टिवेट करना है जो कि सर्विस सेंटर का कोड हमें मिला है। ये कोड यूज करते ही आप अपने फोन में लगे हुए लॉक किसी भी कंपनी का लॉक को अनलॉक कर सकते हो। ये कोड को आप लोग डायल कर लीजिए पहले, ये कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। यदि ये कोड आप लोग मिस्टेक से भूल जाते हो या छोड़ देते हो तो आपका फोन अनलॉक नहीं होने वाला है। ये कोड को डायल करने के बाद आपको ये कॉल वाला ऑप्शन मिलेगा, ये कॉल पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने ऐसा नोटिफिकेशन आएगा, इसे इग्नोर करने के बाद इसे हमें ओके कर देना और ये कोड आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और ये कोड को इरेज करने के बाद हमारा सेकंड कोड है मास्टर अनलॉकिंग कोड। मास्टर अनलॉकिंग कोड यूज कीजिएगा फ्रेंड, ये स्टार हैज 899 और ये हैज। ये कोड को डायल करने के बाद आप आ जाओगे इंजीनियर मोड के फाइल पे। इंजीनियर मोड के फाइल पे आने के बाद आपके सामने मैनुअल टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा 4 नंबर पे, इस पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप सेकेंड नंबर डिवाइस पे आओगे, यहाँ पे आने के बाद आपको जायरोस्कोप का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करोगे। सॉरी फ्रेंड, जिस सेंसर पे आ गए, जायरोस्कोप का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ग्राफ वाला ऑप्शन आएगा फर्स्ट नंबर पे, इस पे क्लिक करना है हम सबको। क्लिक करने के बाद आपका अनलॉकिंग का प्रक्रिया जारी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आपके फोन में जो भी लॉक होगा यहाँ पे अनलॉक हो रहा है। आपको यहाँ पे 5 से 6 सेकंड वेट करना पड़ेगा। एक्स वाई जेड का ये जो रनिंग ऊपर चल रहा है इसे आपका फोन में भी ऐसे ही चलते रहना चाहिए। एंड देन इसे 5 सेकंड बाद इसे हम लोग इसे बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद डाटा डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, आपके फोन में जितना एप्लीकेशन फाइल इमेज वीडियो कॉन्टेक्ट नंबर ईमेल जो भी है वो सारा का सारा रिकवर हो रहा है, कुछ भी डिलीट नहीं होगा। आपका बिना पैसा वेस्ट किए आप अपने किसी भी कंपनी के फोन के लॉक को अनलॉक कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे आपको ये 30 लाइन कंप्लीट होते ही आपको यहाँ पे बैक कर लेना है। बैक करने के बाद फिर बैक कीजिएगा, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन पे जाएगा जो कि अदर्स नाम का पेज मिलेगा। यहाँ पे आने के बाद रीसेट कंप्लीट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपका जो भी पासवर्ड होगा वो रीसेट हो जाएगा। एंड देन होम बटन को क्लिक कीजिएगा, आपका फोन भी अनलॉक हो जाएगा बिना पैसा वेस्ट किए हुए। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।